हेलो फ्रेंड्स, होप यू आर डूइंग वेल। आई एम अक्षय एंड वेलकम टू आवर चैनल। तो आज के वीडियो में हम सीखेंगे हाउ टू क्रिएट रिज्यूमे फॉर फ्रेशर्स। तो जब भी आपका एजुकेशन कंप्लीट हो जाएगा, तो एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद जब भी आप जॉब ढूंढने के लिए चालू करेंगे, तो उस वक्त आपको एक रिज्यूमे उनको देना होगा रिक्रूटर्स को। तो उसके लिए हम आज के वीडियो में सीखेंगे रिज्यूमे हम कैसे बना सकते हैं। तो चलिए चालू करते हैं फॉर टुडेज वीडियो। तो उसके लिए हमने यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन किया है, एक शीट हमने यहाँ पे ओपन की है माइक्रोसॉफ्ट में। तो यहाँ पे हम एक डॉक्यूमेंट्स में अभी रिज्यूमे बनाना सीखेंगे। तो उसके लिए हम फर्स्ट तो कॉन्फिगर करेंगे पेज को। उसके लिए मैं पेज लेआउट के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ एंड यहाँ पे हम पेज का बॉर्डर फर्स्ट सिलेक्ट कर देते हैं। तो हमें बॉर्डर चाहिए, बॉर्डर ले लेंगे हम एंड इसमें से हम डबल लाइन वाला बॉर्डर सिलेक्ट करते हैं एंड आई एम क्लिकिंग ऑन ओके। सो दैट बॉर्डर तो आ गई। उसके बाद हम सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे हेडर्स इंसर्ट करेंगे इसमें। तो हेडर भी हमें चाहिए, हेडर के लिए मैंने हेडर के ऊपर क्लिक किया। यहाँ पे हम कौन सा भी एक आपको जो भी चाहिए उसमें से आपके हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हैं कोई भी हेडर। सो मैं यहाँ पे फर्स्ट ब्लैंक हेडर के साथ जाना चाहूँगा। सो मैं यहाँ पे डिलीट करके यहाँ पे रिज्यूमे हम टाइप करेंगे। जबकि हम अभी फ्रेशर्स हैं, सो हमारा रिज्यूमे होगा। सो दैट मैंने यहाँ पे रिज्यूमे टाइप किया, उसको सिलेक्ट कर देते हैं, सेंटर में ले लेंगे उसको एंड इसका फॉन्ट भी हम चेंज करके लेते हैं थोड़ा, एज वेल एज उसको बोल्ड भी करके लेते हैं। उसके बाद अभी हमें जब भी आप रिज्यूमे बनाएंगे, तो फर्स्ट में आपको चाहिए कि अपना डिटेल्स, आपका पर्सनल डिटेल्स यहाँ पे ऊपर शो होना चाहिए। तो उसके लिए हम यहाँ पे टेबल लेंगे। टेबल के लिए मैं यहाँ पे इंसर्ट में आ गया, टेबल यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। हम यहाँ पे 3x5 का टेबल, यहाँ पे 3x4 का टेबल सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे टेबल ले लेंगे। इसकी साइज़ अगर आपको चाहिए आपके हिसाब से, आप बड़ा कम बड़ा भी सकते हो या कम भी कर सकते हैं। तो इसको लेफ्ट साइड वाले सभी रोज को हम रिमूव कर देते हैं एंड इसको जस्ट हम इसके ऊपर सिलेक्ट करके राइट क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे आपको मर्ज सेल का ऑप्शन मिल जाएगा। तो इसको मर्ज कर लेते हैं। सो फर्स्ट वाले कॉलम में हम ऐड करेंगे एज अ नेम, नेम ऐड करेंगे। उसके बाद हम ऐड करेंगे, नेम के बाद ऐड करेंगे हम एज अ एड्रेस। उसके बाद हम ऐड करेंगे कॉन्टैक्ट नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर मैंने ऐड किया यहाँ पे एंड उसके बाद हम ऐड करेंगे, लास्ट में ऐड करेंगे ईमेल आईडी, ईमेल आईडी। तो इसको बोल्ड भी थोड़ा कर लेते हैं सो दैट ये दिखने के लिए एकदम एक्यूरेट दिखेगा। तो इसको बोल्ड कर देते हैं एंड यहाँ पे आप अपना नेम टाइप करेंगे। सो उसके लिए मैं अभी मेरा ही नेम टाइप कर देता हूँ यहाँ पे, एड्रेस यहाँ पे टाइप कर देंगे। और उसके साथ साथ ही पिन कोड भी यहाँ पे हम टाइप कर लेंगे। एड्रेस जब भी आप टाइप करेंगे तो मोस्टली आप ध्यान रखना कि आप अपना प्रेजेंट एड्रेस ही टाइप करें, सो दैट उनको भी पता चले कि कैंडिडेट कहाँ से है। तो उसके बाद आप कॉन्टैक्ट नंबर ऐड कीजिए यहाँ पे आपका। तो यहाँ पे हम +9 दे रहा, +91 फॉर द इंडिया, इंडिया का कोड हमारा 91 है एंड यहाँ पे हम नंबर टाइप करेंगे। सो दैट मैंने यहाँ पे और ईमेल आईडी लास्ट में हम टाइप करेंगे। आपका ईमेल आईडी आप यहाँ पे टाइप कर दीजिए। ओके उसके बाद हम ऐड करेंगे यहाँ पे अपना फोटो। तो जब फोटो ऐड करने के लिए आप फर्स्ट तो इंसर्ट में आएंगे, इंसर्ट में आप अपना फोटो के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पे एंड यहाँ से आप अपनी जिस किसी भी फोल्डर में आपने फोटो रखा होगा तो उस वहाँ पे जाके आप डायरेक्ट उसको सिलेक्ट कर दीजिए एंड जस्ट क्लिक ऑन इंसर्ट। तो जैसे आप इंसर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे आपका फोटो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। तो आप अपने हिसाब से उसको एडजस्ट कर सकते हैं और इसको हम सेंटर में कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे सेंटर में फोटोज को ले लिया। तो इसको हम थोड़ा सा हमारे हिसाब से मैच करके ले लेते हैं। सो आप अपना ईमेल आईडी और यहाँ पे पूरा टाइप करने के बाद हम नेक्स्ट अभी चीज़ करेंगे कि अपना करियर ऑब्जेक्टिव हमें लिखना है। तो हम यहाँ पे करियर ऑब्जेक्टिव लिख लेते हैं, ऑब्जेक्टिव, करियर ऑब्जेक्टिव हम लिखेंगे। उसको थोड़ा बोल्ड कर लेते हैं सो दैट ये हेडिंग हाईलाइट हो जाएगा एंड इसको अंडरलाइन भी कर लेते हैं। तो नीचे आते हैं हम, अभी यहाँ पे हम करियर ऑब्जेक्टिव हमारा टाइप करेंगे। सो दैट मैंने अभी यहाँ पे डायरेक्टली कॉपी पेस्ट किया है, मेरा करियर ऑब्जेक्टिव टू बी पार्ट ऑफ रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन विच प्रोवाइड्स अ स्टेडी करियर ग्रोथ एंड ऑल। सो मैंने यहाँ पे करियर ऑब्जेक्टिव टाइप किया। उसके बाद हम टाइप करेंगे यहाँ पे एजुकेशनल एंड क्वालिफिकेशन डिटेल्स। सो यहाँ पे हम एक नेक्स्ट लाइन पे आ रहे हैं एंड यहाँ पे एजुकेशनल डिटेल्स ऐड करेंगे, डिटेल्स इसको भी सिमिलर हम बोल्ड करके थोड़ा ले लेते हैं। बोल्ड करने से यही होगा कि आपके जो भी हेडिंग्स है सभी हाईलाइट हो जाएंगे कि ये हेडिंग है। सो यहाँ पे सिमिलर हम यहाँ पे एक टेबल इंसर्ट करेंगे एंड टेबल में हम डेटा ऐड करेंगे। सो इसके लिए हम यहाँ पे टेबल के ऊपर क्लिक करें, इंसर्ट में टेबल के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे 5x3 का या 4 का हम यहाँ पे टेबल ऐड करेंगे। तो 5x3 का 4 का हमने यहाँ पे टेबल ले लिया। तो यहाँ पे फर्स्ट तो हम देंगे सीरियल नंबर, सीरियल नंबर। उसके बाद हम लेंगे एज अ
क्वालिफिकेशन एंड अगेन हम लेंगे यूनिवर्सिटी और बोर्ड, कौन से कॉलेज से आपकी पढ़ाई हुई है। तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी और बोर्ड बोर्ड एंड उसके बाद हम यहाँ पे लेंगे एज ए ईयर ऑफ पासिंग ईयर एंड लास्ट में हमें यहाँ पे लेंगे परसेंटेज एंड इसी में हम उसका परसेंटेज का सिंबल भी ऐड कर देंगे सो दैट नीचे हम जस्ट वैल्यूज सिर्फ टाइप करेंगे। तो यहाँ पे हमने इंसर्ट तो कर दिया कि हेडिंग तो हमने इंसर्ट कर दिया, इसको अभी हम सेंटर में करके लेते हैं सभी हेडिंग्स को। तो इसके लिए हम होम में आएंगे एंड इसको सेंटर के ऊपर क्लिक करेंगे सो दैट सभी के सभी जितने भी टेक्स्ट हमने लिए हैं सभी सेंटर में अलाइन हो जाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पे टाइप करेंगे कंप्लीट हमारा डेटा डिटेल्स। तो यहाँ पे हम सीरियल नंबर वाइज टाइप करेंगे थ्री। तो फर्स्ट हम टाइप करेंगे एज अ हमारा जो भी आपका हाईएस्ट एजुकेशन है। तो यहाँ पे हम टाइप करेंगे सो मैं पे बी ले रहा हूँ बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग एंड ब्रैकेट में आपका कौन से स्ट्रीम से आपका इंजीनियरिंग हुआ है वो आप लिख सकते हैं, आप आपके हिसाब से आपके एजुकेशन के हिसाब से यहाँ पे लिख सकते हैं मैकेनिकल। उसके बाद हम नीचे आएंगे यहाँ पे हम टाइप करेंगे आपकी सेकेंड हाईएस्ट एजुकेशन, मैं यहाँ पे HSC टाइप कर रहा हूँ एंड लास्ट में हम टाइप करेंगे एज अ SSC। तो इसके बाद हम यहाँ पे बोर्ड ऐड करेंगे, बोर्ड में यहाँ पे ऐड करूँगा आपका जो भी बोर्ड है तो आप उस बोर्ड का नाम यहाँ पे ऐड कर दीजिए। मैं यहाँ पे अभी XYZ लिख रहा हूँ। यहाँ पे HSC में आपका कौन से बोर्ड से आपका HSC हुआ मतलब 12th हुई है वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं सो दैट यहाँ पे आप आपके हिसाब से ऐड कर दीजिए एंड लास्ट में भी सेम ही मैं ऐड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हमने ऐड कर लिया महाराष्ट्र ऐड कर लिया है यहाँ पे हमने राइट। तो उसके बाद हम यहाँ पे ईयर ऑफ पासिंग ऐड करेंगे सो दैट आप जब जिस साल आप यहाँ से पास आउट हुए होंगे तो 11, 12 एज वेल एज आपकी जो भी स्ट्रीम रहेंगी जहाँ से आपने एजुकेशन लिया होगा तो वहाँ पे आप डायरेक्ट सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे टाइप कर दीजिए कौन सी ईयर से आप पास आउट हो। तो यहाँ पे मैं टाइप कर रहा हूँ एज अ ईयर ऑफ पासिंग, आपके हिसाब से आप टाइप कर सकते हैं कोई भी जो भी आपका कुछ रहेगा। उसके बाद आप यहाँ पे मार्क्स आपके ऐड करेंगे सो दैट मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ 75, उसके बाद 78, 79 एंड 80% मार्क्स। तो मैंने यहाँ पे मार्क्स भी ऐड कर लिए एंड इसको सिमिलर हम फॉर्मेटिंग थोड़ा कर लेते हैं कि सभी के सभी जो भी हमारे फॉन्ट अभी हमने सिलेक्ट किया सभी का सभी बोल्ड है सो बोल्ड नहीं चाहिए हमें, सिंपल फॉन्ट चाहिए एंड हमें लाइनिंग भी नहीं चाहिए अंडरलाइन। सो हमने सिलेक्ट किया यहाँ से एंड इसको सेंटर में भी कर लेते हैं सो दैट ये दिखने के लिए एकदम अच्छा दिखेगा। सो उसके बाद हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे एज अ टेक्निकल, उसके बाद हम नेक्स्ट कॉलम लेंगे टेक्निकल एजुकेशन, टेक्निकल क्वालिफिकेशन ओके एंड यहाँ पे नीचे आके हम अभी यहाँ पे अभी हम ऐड करेंगे आपके जो भी आपने अगर डिग्री वगैरह आपको कोई भी हासिल है आपने की हुई है तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे। सो अभी हम यहाँ पे ऐड करेंगे हमारी MSCIT हो गई है सो दैट मैंने यहाँ पे MSCIT ऐड कर रहा हूँ, MSCIT मैंने ऐड की। उसके साथ साथ ही अगर आपने कोई भी अगर दूसरी डिग्री भी की होगी तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे MSCIT ऐड की, साथ ही साथ मैं यहाँ पे ऐड करूँगा एज अ C++ भी ऐड कर रहा हूँ मैं। तो आपके हिसाब से आप जो भी आपकी डिग्री रहेंगी वो यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ऐड किया C++ एंड MSCIT। अभी हम यहाँ से क्लोज करेंगे, अभी हम नेक्स्ट जाएंगे पर्सनल डिटेल्स के लिए। तो पर्सनल स्किल्स हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, पर्सनल स्किल्स के ऊपर टाइप करेंगे हम और क्लिक करेंगे एंड उसको बॉर्डर भी कर लेते हैं, उसको बोल्ड करेंगे एज वेल एज उसको बॉर्डर भी कर लेते हैं। तो पर्सनल स्किल्स में अभी हम है, अभी इसमें हम टाइप करेंगे जो भी आपके पर्सनल स्किल्स है, फॉर एग्जांपल आप गुड कम्युनिकेशन स्किल्स है, स्मार्ट वर्कर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारे स्किल आप यहाँ पे जो भी आप आपके हिसाब से यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। सो हम यहाँ पे ऐड करेंगे टीम प्लेयर ऐड कर लेते हैं। अभी हमारा फॉर्मेटिंग हम पहले सिलेक्ट कर लेते हैं कंप्लीट, टीम प्लेयर ऐड कर लिया। उसके बाद हम ऐड करेंगे एज अ गुड टाइम मैनेजमेंट, अगेन उसके बाद हम ऐड करेंगे स्मार्ट वर्कर, ओके। तो यहाँ पे हमने तीन स्किल्स हमारे ऐड कर लिए, आपको अगर चाहिए तो आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, मिनिमम आप पाँच, कम से कम आप तीन और ज़्यादा से ज़्यादा आप पाँच से छः स्किल ऐड कीजिए, उससे ज़्यादा स्किल्स मत ऐड कीजिए। उसके बाद हम यहाँ पे ऐड करेंगे एज अ हमारा वर्क एक्सपीरियंस। तो अगर आप फ्रेशर्स है तो आपको कोई भी वर्क एक्सपीरियंस अगर नहीं है तो आप आपके लास्ट ईयर प्रोजेक्ट भी ऐड कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पे ऐड करेंगे हमारे प्रोजेक्ट डिटेल्स।
तो अभी हम प्रोजेक्ट डिटेल्स यहाँ पे ऐड कर लेंगे, लास्ट ईयर प्रोजेक्ट की डिटेल्स ऐड कर लेंगे। अगेन ओके के ऊपर क्लिक कर लेते हैं एंड यहाँ पे हम प्रोजेक्ट डिटेल्स ऐड कर लेते हैं। तो प्रोजेक्ट डिटेल्स में आप ऐड कर सकते हैं कि आपका प्रोजेक्ट नेम, प्रोजेक्ट नेम ऐड कर सकते हैं, प्रोजेक्ट स्ट्रेंथ, प्रोजेक्ट नेम के बाद आप ऐड कर सकते हैं कि टोटल स्ट्रेंथ मतलब आप में मेंबर्स कितने थे प्रोजेक्ट में, मेंबर्स के बाद आप ऐड कर सकते हैं कि प्रोजेक्ट टाइटल तो हो गया, उसके बाद आप ड्यूरेशन भी यहाँ पे ले सकते हैं, प्रोजेक्ट ड्यूरेशन आप यहाँ पे ऐसे टाइप कर सकते हैं एंड इसमें आपके प्रोजेक्ट का कंप्लीट नेम आप यहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हैं एज अ कोई भी आपका नेम है तो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं एंड उसके बाद आप लीजिए कि प्रोजेक्ट में मेंबर्स कितने थे। यहाँ पे मैं टाइप कर रहा हूँ 5 पर्संस, 5 पर्संस मेरे प्रोजेक्ट में थे एंड उसके बाद हम टाइप करेंगे ड्यूरेशन। सो मोस्टली इंजीनियरिंग में, अगर मैं यहाँ पे इंजीनियरिंग का भी लिख रहा हूँ, मेरा रिज्यूमे बना रहा हूँ, तो मोस्टली इंजीनियरिंग में 1 ईयर का प्रोजेक्ट रहता है। सो मैं यहाँ पे 1 ईयर टाइप कर रहा हूँ, उसके बाद हम लास्ट में लेंगे यहाँ पे, उसके बाद हम ऐड करेंगे एज अ पर्सनल डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स। तो पर्सनल डिटेल्स को भी हम यहाँ पे हाईलाइट करके लेते हैं, बोल्ड करेंगे, अंडरलाइन भी कर लेते हैं उसको, क्योंकि ये हेडर है, हेडिंग है हमारा, तो उसको हाईलाइट कर लेते हैं। पर्सनल डिटेल्स में भी हम ऐड करेंगे एज अ डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ ऐड करेंगे। इसको थोड़ा सा हम फॉर्मेटिंग चेंज करके लेते हैं क्योंकि ये हमारा हेडर नहीं है। डेट ऑफ बर्थ के बाद हम ऐड करेंगे एज अ जेंडर, उसके बाद हम ऐड करेंगे मैरिटल स्टेटस, मैरिटल स्टेटस ऐड करेंगे। अगेन लास्ट में हम ऐड करेंगे एज अ नेशनैलिटी, नेशनैलिटी आप क्या आपके हिसाब से अगर टाइप करना चाहिए तो भी कर सकते हैं या नहीं किया तो भी ठीक है, क्योंकि ऊपर आपने अपने एड्रेस में आपने आपका इंडिया का ही एड्रेस अगर रहता है तो यहाँ पे टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने यहाँ पे नेशनैलिटी भी टाइप किया। तो अभी हम यहाँ पे इंफॉर्मेशन हम फिलअप करेंगे। तो जब भी आप कहीं आपका डेट ऑफ बर्थ लिख रहे हो तो एक ही फॉर्मेट फॉलो कीजिए, MMDD DD MMYY DD-MM-YY, क्योंकि ये जनरली ग्लोबली एक्सेप्टेड फॉर्मेट है, सो आप ये यूज़ कर सकते हो। तो उसके बाद हम आप जेंडर लिखिए आपका जो भी है, उसके बाद मैरिटल स्टेटस यस और नो, तो मैं यहाँ पे अनमैरिड लिख रहा हूँ, आप आपके हिसाब से लिख सकते हैं अनमैरिड, ठीक है। और लास्ट में हम नेशनैलिटी हमारा ऐड कर देते हैं एंड इसके बाद हम यहाँ पे अभी जो भी हमने यहाँ पे लिया है सबको थोड़ा फॉर्मेटिंग ठीक से करके लेते हैं। सो इसको बोल्ड कर लेते हैं, बोले सेम सभी को हाईलाइट करके लेते हैं क्योंकि ये हमारे हेडिंग्स हैं, राइट। तो हमारे हेडिंग्स हाईलाइट हो गए, उसके बाद हम लास्ट में ऐड करेंगे एज अ डिक्लेरेशन। आप यहाँ पे लैंग्वेज नोन भी अगर आप पर्सनल डिटेल्स में ऐड कर सकते हैं, आपको कोई लैंग्वेज अगर एक्स्ट्रा आती है सो आप लैंग्वेज में इधर ऐड कर सकते हैं एज अ हिंदी, मराठी, इंग्लिश और वॉट एवर इट इज़। तो उसके बाद हम लास्ट में ऐड करेंगे एज अ डिक्लेरेशन, तो डिक्लेरेशन यहाँ पे हम लिखेंगे, उसको भी थोड़ा सा फॉन्ट मैच करके ले लेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे आई हियर बाय, आई हियर बाय डिक्लेयर दैट ऑल द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय मी प्रोवाइडेड माई इज बाय मी इज करेक्ट, करेक्ट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, ऑफ माई नॉलेज। इस हिसाब से आप टाइप कर सकते हैं। उसके अगेन लास्ट में हम टाइप करेंगे एज अ डेट एंड प्लेस, यहाँ पे डेट हम ऐड करेंगे, डेट हम ऐड करेंगे एंड लास्ट में हम ऐड करेंगे एज अ प्लेस। उसके नीचे हम लास्ट में टाइप करेंगे एज अ सिग्नेचर। तो आप यहाँ पे डिजिटल भी आपका सिग्नेचर ऐड कर सकते हैं या आप डायरेक्टली यहाँ पे जब भी आपको किसी को ये देना है आपका रिज्यूमे तो आप यहाँ पे डायरेक्टली हाथ से साइन करके भी दे सकते हैं एंड इसको थोड़ा बोल्ड कर लेते हैं।
जिस डेट को आपने अपना रिज्यूमे बनाया, सो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे प्लेस भी ऐड कर किया कीजिए कि जिस दिन आपने और जहाँ पे आपने रिज्यूमे तैयार किया है। ओके, तो यहाँ इस प्रकार से आप अभी स्टेटस अपना अपना रिज्यूमे आप बना सकते हैं। तो इसी फॉर्मेट में अगर आप अपना रिज्यूमे बनाते हैं तो दिखने के लिए भी अच्छा है, एज वेल एज ये पॉइंट्स इसमें हाईलाइट हो रहे हैं कि आपके पॉइंट्स भी यहाँ पे हाईलाइट हो रहे हैं कि आपने एजुकेशन कब किया है, आपके पर्सनल डिटेल्स भी हाईलाइट हो रहे हैं, एज वेल एज आपका प्रोजेक्ट भी आपने जो भी किया होगा, जो भी आपके हाईलाइट करने की डिटेल्स है सभी इसमें हाईलाइट हो जाएंगे। तो इसी प्रकार से आप अपना रिज्यूमे बना सकते हैं। और इसको अगर आपको चाहिए तो आप इसको थोड़ा सा फॉन्ट भी इसका और कर सकते हैं। अभी हमने यहाँ पे टेबल ऐड किया है, सो ये आपको लाइनिंग दिख रही है। अगर आपको लग रहा है कि आपको ये लाइनिंग नहीं चाहिए तो जस्ट आप उसके ऊपर क्लिक कीजिए एक बार एंड राइट क्लिक कीजिए, और यहाँ पे आप अगर नीचे आते हैं तो यहाँ पे टेबल प्रॉपर्टीज आपको ऑप्शन मिल जाएगा, तो जस्ट उसके ऊपर क्लिक कीजिए। उसके बाद अगेन बॉर्डर एंड शेडिंग्स के ऊपर क्लिक कीजिए एंड यहाँ पे नन के ऊपर क्लिक कीजिए एंड जस्ट क्लिक ऑन ओके। सो दैट अभी यहाँ पे देखिए कि आपका जो टेबल है यहाँ पे यहाँ से दिख नहीं रहा है, ये डॉटेड लाइन से दिख रही है। जब भी आप आपके रिज्यूमे का प्रिंट निकालेंगे तो यहाँ पे ये लाइन जो आपको डॉटेड दिखा रही है या नहीं दिखेगी उसमें। सो इसी प्रकार से आप अपना रिज्यूमे बना सकते हैं और किसी भी इंटरव्यू में यूज़ कर सकते हैं। सो होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल टू यू। इफ़ यस, प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।